स्टूडेंट्स बेटा एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहता है फाइंड y4 इफ आपने y4 इनटू 4th डेरिवेटिव फाइंड करना है, फंक्शन का चार्ट पर एलिमेंट है फाइंड करना है इफ y अपना क्या है sin 3x। तो बेटा जी पहला डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट डेरिवेटिव y1 इज इक्वल टू, मैं बताया साइन डेरिवेटिव क्या होता है बेटा जी cos 3x इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। बेटा जी अगर डेरिवेटिव लिखते तो मैं बता रहा था 3x डेरिवेटिव क्या होता है 3 हो गया, y1 इज इक्वल टू cos 3x इनटू 3। अब बेटा जी सेकंड डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा y2 इज इक्वल टू cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। बेटा इस एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा 3 हो जाएगा, 3 का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा और ये 3 साथ में ऐसे डेरिवेटिव में हो रहा था ठीक है। अब ये 3 3 साथ क्या हो जाएगा 9, स्टार्ट में आ जाएगा y2 इज इक्वल टू माइनस 9 साइन 3x। अब अगेन डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि हमने चार पर डेरिवेटिव लेने हैं, थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा y3 इज इक्वल टू माइनस 9 स्टार्ट में आ जाएगा साइन डेरिवेटिव cos 3x इन डेरिवेटिव ऑफ एंगल विच इज इक्वल टू 3। अब बेटा इसको लिखे तो 3 से तो क्या हो जाता है माइनस 9 3 का माइनस 27 इंटू cos 3x। बेटा जी बिग डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि हमें चार डेरिवेटिव लेने हैं तो y4 क्या होगा बेटा जी माइनस 27 इंटू cos का डेरिवेटिव माइनस साइन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा। तो बेटा जी ये y4 इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 1 प्लस 27 इंटू 3 81 साइन 3x। नो डाउट से यू लिख सकते हैं तो y4 इज इक्वल टू 81y क्योंकि साइन 3x y ही था ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज नोट कीजिए।